जो भी कंपनी ने इसमें दिया है बिल्कुल निखार के, जैसे अपन सुनार सोने को पिंगला पिंगला कर ऊपर से तरह से निखारता है ना, ऐसे कंपनी ने इंजन को ऐसे निखार दिया है बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन। यानी कि अपने को कोई हेलो नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र टाटला, आज हमारे सामने खड़ा है टाटा की बस बिल्कुल ऑल न्यू 2024। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है 16/2/2024, यानी कि अभी एक महीने पुरानी गाड़ी है हमारी 916 है, और इससे पहले जो मॉडल आता था वो 912 आता था। तो अब देखते हैं कि पहले वाली 912 में और 916 में अपने को क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो बदलाव है, पहले नंबर पे अपना जो बदलाव अगर बात करें तो इंजन का, तो इंजन पहले जो 912 के अंदर अपने को 120 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, लेकिन इस 916 के अंदर 160 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है, यानी कि 40 हॉर्स पावर इसमें अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड बदलाव की अगर हम बात करें तो इसको फ्यूल टैंक की, इसका फ्यूल टैंक है पहले क्या है कि आयरन के अंदर आता था, लोहे की बॉडी के अंदर इसका फ्यूल टैंक अपने को देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अपने को फाइबर के अंदर मिलता है इसका फ्यूल टैंक, क्योंकि लोहे के अंदर काफ़ी सारी शिकायत होती थी, गर्मी के टाइम में हीट काफ़ी ज़्यादा होता था और इसके अंदर गैस बनती थी, और इस साथ ही इस जो टैंक की फ्यूल कैपेसिटी है वो 107 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसके अंदर अपने को जो तीसरा बदलाव मिलता है वो मिलता है एड बिलो का, क्योंकि एड ब्लू यहाँ से पूरा सिस्टम वर्क कर, पूरा सिस्टम ये इसी एड ब्लू से वर्क करता है, क्योंकि ये पोल्यूशन एक तो कम करता है और पोल्यूशन कम करता है, दूसरा इसके सेंसर होते हैं, अगर वो कहीं आपका खराब हो जाए सेंसर तो गाड़ी क्या है कि आपकी वर्क नहीं करती। जैसे अपनी आईसर की अगर बात करें तो उसमें सेंसर खराब होने के बाद आपको उसको टो करके लेके जाना पड़ता है, लेकिन टाटा ने इस बार एक बहुत ही अच्छी चीज दी है, इसकी क्या है कि सेंसर खराब होने पे इसकी जो स्पीड लिमिट है वो क्या है कि स्पीड लिमिट कम हो जाती है, यानी कि 20 की स्पीड से आप रेंगते हुए इसको वर्कशॉप तक लेके जा सकते हो। और पहले जो इसमें अपने को वायरिंग देखने को मिलती थी वो क्या है कि पूरी बिखरी हुई देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार अपने को प्रॉपर कवर के अंदर और अपने को पूरी क्लिप के अंदर यहाँ देखने को मिलते हैं इसके अंदर ये छोटे छोटे अपडेट देखने को मिले, लेकिन ये छोटे छोटे अपडेट काफ़ी हद तक मेरे को बढ़िया देखने को लगे, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें इसके पटे की, तो पहले अपने को यहाँ पे 3 पटे मिलते थे, अब अपने को यहाँ फ्रंट के अंदर 4 पटे मिलते हैं, और वहीं बैक में, बैक की अगर बात करें तो बैक के अंदर भी अपने को 4 पटे नजर आ रहे हैं, और आप देख रहे हो कि अपना जो चौथा पटा है ये इनके साथ छटा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग सा है। तो मेरे को पहली नज़र में देखने को ऐसा लगा कि जैसे कि ये लूज हो, लेकिन ये लूज नहीं है, कंपनी फिटिंग फिटेड ही ऐसा। अब इसका मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई कि किस टेक्नोलॉजी पे इसको अलग से दिया हुआ है, लेकिन ये अपने को इस बार अलग से देखने को मिलता है। वही अगर हम इसके हब की बात करें ना, तो अब पहले जो अपने अब आगे वाले में, तो आगे वाला जो टायर उसमें अब सेम देखने को मिलता है, लेकिन बैक साइड में जो अब है वो अपने को पहले से ज़्यादा हैवी यहाँ देखने को मिलता है, और जो टायर प्रोफाइल है वो पहले की तरह अपने को 17.5 इंच का टायर प्रोफाइल यहाँ देखने को मिलती है। तो आज हमारे साथ इस बस को जिसने परचेज किया है वो हमारे साथ है, और उनसे पूछेंगे कि इनके अंदर क्या क्या अपने को नया मिलता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा सर, एक बार आना। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, नाम क्या है सर अपना? जी मेरा नाम श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर जी, आप जैसे आप देखता हूँ मेरे को इसमें क्या क्या चीज़, पहले अपनी 912 आती थी और अब आपने 916 लिया है, तो इसमें अपने को क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है? इसमें इसको क्या बोलते हैं? अब इसको अब बोलते हैं अब, तो ये भी पहले से कुछ डिफरेंट देखने को नजर आ रहा है। इसमें पहले क्या था कि इसमें इसको गुल्ला बोलते हैं, वैसे तो जी गुल्ला बोलते हैं पीछे वाले को भी और इसको भी। इसमें पहले ग्रीस होती थी। अच्छा, इस जो नट का थे पहले इसमें ग्रीस होती थी, यहाँ पिन आती थी, उस पिन में ग्रीस होती थी, यहाँ घुसा आता था जी। अब वो कंपनी ने ये सब खत्म कर दिया। ओके। अब ये लगा दिया, अब इसमें ग्रीस व्रीस का कोई चक्कर नहीं है। और एक शाफ्ट है, शाफ्ट पहले शाफ्ट में ग्रीस होती थी, अब शाफ्ट में बिल्कुल ग्रीस खत्म कर दी है। बैरिंग, इसमें बैरिंग आ गए हैं, शाफ्ट में बैरिंग आ गए। वो बैरिंग 10 साल चले, 5 साल चले, जितने दिन चले वो नए डलेंगे फिर। यानी कि ये चीज मेरे हिसाब से तो काफी प्रैक्टिकल और बढ़िया मिली है, बढ़िया ही है। राइट सर, ये अपने को क्या देखने को मिलता है इधर? सर ये ब्रेक के कूपे हैं जी, तो इनका प्रॉपर वर्क क्या होता है? इनका प्रॉपर वर्क होता है ब्रेक लगाना जी। दो ये प्रेशर टैंक है जी, ये चीक मशीन है, वहां से अगर आप पेडल दबाओगे ब्रेक का तो वो प्रेशर इन कूपे में आएगा। ठीक है, ये कूपे आगे जाकर के टायरों में, ड्रम में वो उसको लेदर को लाएंगे तो रिम के जाकर चिपकेगा, तब ब्रेक लगता है। ओके, आपने इसका क्या नाम बताया? चीक मशीन है। ये क्या वर्क करती है? ये वर्क करती है, जैसे गाड़ी में प्रेशर ज्यादा हो गया जी
हवा का, तो ये की आवाज आती है जी, वो आवाज तो आपने अभी तक सुना ही होगा, क्योंकि जब भी आप हाईवे पे चलते हो ना, कई बार अपने साइड से ट्रक या बस निकलती है तो टायर प्रेशर उसको बोलते हैं, वो निकालते हैं, जैसे अपने को छिस छिस की आवाज आती है ना उसी तो तरफ से वो जो काम करती है ना, वो ये वाला सिलेंडर काम करता है। और इसके आगे सर ये वाला जो सिलेंडर है ये किस काम का है? पूरी एयर इसमें ही रहती है जी, इसमें ज्यादा एयर होने के कारण हो जाती है, तब ये छीक मशीन उसको ज्यादा होने के बाद में और को बाहर निकाल देती है। और सर पहले अपना जो फ्यूल टैंक है वो लोहे के अंदर आता था, अब ये फाइबर के अंदर दे दिया, इस पे एक कवरिंग की हुई है लोहे की वजह से करने के बाद, तो इसका क्या सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए लोहे के में गर्मी के दिनों में गैस बन जाती थी, राइट सर, और एक जंग लगती थी जी, तो हर 6 महीने में, साल में, 2 साल में टंकी साफ करवाना, ये करवाना, वो एक झंझट खत्म हो गया, राइट, और एक इसमें अभी गैस नहीं बनेगी बिल्कुल। और इसकी सर शायद फ्यूल टैंक कैपेसिटी 107 लीटर की है ना? हाँ इतनी 107 लीटर की। और अगर 107 लीटर की एवरेज की क्या देती है सर ये आपके? अगर एवरेज इसकी 7 या 8 के लगभग, 6-7-8 के लगभग देती है, 7 यानी कि 6 से 7 के लगभग। अभी तो सर ने चलाई नहीं है प्रैक्टिकल, यानी कंपनी क्या क्लेम कर रही है? लगभग कंपनी क्लेम कर रही है इसकी 7 की एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है। और तो सर ये देख रहा हूँ मैं, ये एड भी लो, इसका क्या वर्क होता है? ये यूरिया है, यूरिया, ठीक है, इसको अपन यूरिया बोलते हैं, एक तरह से ये डीजल के रूप में काम करता है, जो अपना ये साइलेंसर है जी, साइलेंसर प्रदूषण को रोकने में कंट्रोल करता है, राइट। और इसमें सर काफी सेंसर भी होती है, ये पोल्यूशन के ही सेंसर है सारे। अच्छा, अगर कभी बाय चांस ये इनके सेंसर वर्क करना बंद कर दे तो फिर इसमें गाड़ी बंद नहीं होगी आपकी जी, नहीं गाड़ी आपको टोचन करनी पड़ेगी, गाड़ी की लिमिट आपकी 20 की हो जाएगी, यानी कि स्पीड जो लिमिट है वो कंट्रोल हो जाएगी, आप इसको वर्कशॉप तक या मिस्त्री तक गाड़ी को स्टार्ट करके ले जा सकते हैं रेंगते। और सर इससे अपने आईसर की आती है, उसमें तो क्या होता है कि एक बार अगर कोई सेंसर खराब हो गया ना तो उसको टो करके लेके जाना पड़ता है, तो ये टाटा ने मेरे को लगता है कि काफी बेस्ट चीज दी है। सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि अपने को जैसे आईसर की बात करें तो आईसर ही ले लेते हैं, इसके क्या है कॉम्पिटिटर, तो उसके अंदर अपने को ये वाला सॉकर देखने को नहीं मिलता है, ये टाटा में मिलता है, तो ये भी मेरे को काफी बेस्ट लगा यहाँ पे जो सॉकर दिया हुआ है। सॉकर का काम वही है कि जैसे मैंने बताया अभी आपको जी, जैसे कोई ब्रेकर आता है जी, ब्रेकर कूदने अचानक जैसे ड्राइवर का ध्यान नहीं रहा, ब्रेकर गाड़ी कूद रही है तो एकदम गाड़ी उछले नहीं, टप्पा नहीं मारे, हल्का सा जंप ले गाड़ी, झूले, सस्पेंस का काम करता है, क्योंकि गाड़ी काफी, ये जो बस है काफी लग्जरी बस है, तो अब मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर सर पहले के टाइम में क्या होता था, गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब हो जाता था तो आप पुराना कोई गाड़ी है उससे निकाल के फिट कर देते थे, लेकिन अब इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर हर चीज का बारकोड आपको मिल जाएगा, हर चीज पे, हर वायरिंग पे पार्ट पे, और यहाँ पे अपने जो छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स है ना गेयर वगैरह के, मैं आपको उस तरफ से जाके दिखा दूंगा सभी पे, अगर मैं आपको ये पट्टे भी दिखाऊं ना, इस पे भी आपको बारकोड मिल जाएंगे, तो आपको अगर कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है तो आपको बारकोड स्कैन करके ही आप पार्ट ले सकते हो, तो ये चीज काफी बेस्ट भी लगी, बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि पहले जब पार्ट ढूंढने में भी मदद ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं, नाम से पता चलता था गाड़ी को कौन वो चीज दे दो, अभी से पार्ट्स का सीरियल नंबर बताया, सरदर्दी खत्म। और दूसरी चीज ये भी फायदा हो गया कि पहले क्या कि पुरानी निकाल के डाल देते थे, मिस्त्री को मिलता नहीं था, अब आप प्रॉपर नया पुराना कुछ नहीं डलेगा, तो मेरे हिसाब से तो सर बहुत ही अच्छी चीज है। हम बात कर लेते हैं अब इसकी ड्राइविंग सीट पे, ड्राइवर को क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती है, चलो मैं दिखाता हूँ। अगर सीट की बात करें ना तो टाटा ने सीट वही दे रखी है, अब ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये टाटा टियागो की सीट है या नेक्सॉन की, लेकिन टाटा ने सर ये गाड़ी वाली सीट यहाँ अवेलेबल करवा रखी है, लेकिन सीट इतनी आरामदायक और कंफर्टेबल है बैठने में, आप यानी कि क्योंकि भाई बस है तो इसमें राइड करना आपको कई हजारों किलोमीटर राइड करना पड़ रहा है, दिन के 200-300 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो ड्राइवर काफी कंफर्टेबल रहने वाला है। वही मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो स्टेयरिंग है, इसको आप आगे पीछे और ऊपर और नीचे अपने ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो,
तो अगर साथ ही करें इसका डिजिटल मीटर तो ये भी पूरी तरह अपने को चेंज मिलता है। यहाँ पे डिजिटल मीटर पे अपने को ये छोटा सा अगर आपको दिख रहा होगा टाटा का लोगो मिलता है, यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। स्टेयरिंग पे अपने को यहाँ पे सिर्फ हॉर्न मिलता है और टाटा का लोगो मिलता है, और ये डी कट डिजाइन में भी यहाँ अपने को स्टेयरिंग मिलता है, बाकी कोई स्टेयरिंग पे कंट्रोल यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी अगर लाइट वगैरह सभी चीज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अपना पूरा स्विच देखने को मिलता है। तो सर अब मैं ये जैसे देख पा रहा हूँ इस पे अपने को क्या क्या कंट्रोल मिलते हैं? ये तो बैटरी का हो गया, बैटरी का हो गया, ओके, ऑफ हो गया, इससे फोन हो गया, ओके, ये पार्किंग हो गई, पार्किंग हो गया, और ये जैसे गाड़ी की एवरेज बढ़ानी हो एवरेज के लिए है ये। हाँ, ये एवरेज के लिए जब भी लोड में चल रहे हो तो बटन को क्लिक करना है उसी ये है, जैसे हैवी जहाँ चढ़ाई उड़ाई पे चल रही है, हिल वाले एरिया के लिए है, ठीक है सर। और ये आपका जो गाड़ी को रीजनरेट करने के लिए, पोल्यूशन के लिए है, और ये वो उसको बंद करने के लिए, इसको अच्छा इसी को बंद करने के लिए, ओके। हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे अपने को 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ अपने को देखने को मिल जाता है, और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि हर जगह आपको बार कोड देखने को मिलेंगे, जितनी भी छोटी छोटी वायर है, ये आपका कोई पार्ट्स है, हर जगह आपको अगर ये इधर एक्सीलेटर वगैरह जो भी देखो ना, हर जगह आपको पार्ट्स के ऊपर बार कोड देखने को मिल जाएगा। मैं जैसे देख रहा हूँ कि लाइट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, लाइट जो अपने पहले 912 के अंदर आती थी वही 916 के अंदर देखने को मिलता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी अपडेट करने की। तो देखो लाइट तो आप बड़ा ट्रक मिले होंगे उसमें भी कंपनी ज्यादातर यही अवेलेबल होती है, तो क्योंकि लाइट इसकी परफेक्ट थी, इसमें बदलाव करने की कोई खास डिमांड थी नहीं। तो सर अगर एक बार पास आना पे दिखाता हूँ, इसमें अपने को सिल्वर कलर की कोटिंग देखने को मिलती है इधर और इधर दोनों तरफ, तो ये किस चीज के लिए होती है? जैसे इंजन हीट होता है, राइट, हीट होने के कारण जैसे ये अंदर ये फाइबर वगैरह लग रहा है, तो ये सिल्वर पेपर बोलते हैं इसको, चांदी का जैसे अपन बोलते हैं सिल्वर, ये हीटिंग को रोकता है, राइट, अंदर हीटिंग नहीं जाने देता केबिन में, जैसे अंदर बस के अंदर ये हीटिंग नहीं जाने, हीटिंग को रोकता है। क्योंकि दोस्तों जब भी अगर आपका क्योंकि अब ये बस है, बस ट्रक के चलते ही दिन भर चलते हैं, और अब जैसे गर्मी का टाइम आ गया तो क्या कि इंजन हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद ड्राइवर तक हीट न जाए उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये सिल्वर कलर की कोटिंग की हुई है। ये अपना किस चीज क्या चीज़ है? एयर कलेंडर है जिससे गाड़ी हवा लेती है, सांस लेती है। अच्छा अच्छा, वो है ये इधर रखा इसका, इसमें इसका वो फिल्टर वगैरह। यहाँ पे अपने को सर ये क्या मिलता है? ये सर वाइपर के लिए अलग से दिया हुआ है। हाँ, ये फ्यूज बॉक्स है, ये पहले तो कनेक्ट आता था, वाइपर के लिए अलग से दे दिया है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अभी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए ना तो डायरेक्ट यहीं से ठीक हो जाता है। और ये पूरी लाइट का जो मॉनिटर बोलते है ना, वो शायद उसका उसके लिए बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, और ये भी कुछ लाइटिंग के लिए अपने को फ्यूज वगैरह के जितने भी गाड़ी के वो यहाँ अपने को देखने को मिल जाता है। तो अपने को इसकी जो बैटरी है वो देखने को मिल जाती है, और जो ये बैटरी है ना ये भी टाटा ने अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, टाटा की बैटरी मिलती है इसके अंदर। तो दोस्तों पहले अपना जो 912 आता था 916 में कुछ मैंने आपको बदलाव बताया, क्योंकि पहले उस वाला जो केबिन आता था इसमें केबिन के अंदर अपने को डिजिटल मीटर चेंज हो गया, स्टेयरिंग चेंज हो गया, सीट चेंज हो गई, इसके अंदर अपने जो पार्ट्स है वो भी आप अलग से जुगाड़ू नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया जुगाड़ू है, तो इसमें आप पार्ट्स भी आप इसी के हिसाब से जो बार कोड स्कैन करके ही मंगवा सकते हैं। और इसकी जो हेडलैम्प है वो अपने को पहले वाली सेम मिलने वाली है। ये अपनी यूरो 6 गाड़ी है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वाली, और वहीं अपने को साथ में ही अपने को 6 टायर और 1 स्टेपनी के साथ ये अपने को मिलती है। कितनी सीटर अपनी बस है? ये 42 सीट बनेंगी इसमें सर, यानी कि 42 सीटर अपनी ये बस है। और इसमें सर ये देख पा रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज है? ये गियर लीवर है। अच्छा, ये गियर लीवर है, ये बैक का है। ओके, ये बैक का है। अच्छा, बैक का अलग है और ये गियर लीवर अलग है, बैक के लिए अलग से दिया हुआ है। ओके, और इंजन के अंदर ऐसा क्या चीज अलग से देखने को मिलता है अपने को इधर? देखिए, साफ सुथरा इंजन है, जो भी कंपनी ने इसमें दिया है बिल्कुल निखार के, जैसे अपन सुनार सोने को पिंगला पिंगला कर उसको अच्छी तरह से निखारता है ना जी, ऐसे कंपनी ने इंजन को ऐसे निखार दिया है बिल्कुल साफ, यानी कि अपने को कोई एक्स्ट्रा ऐसे दिखना, जो भी इसके अंदर जो फिटिंग मिलती है ना वो काफी फिटिंग मिलती है ना, क्योंकि काफी रिसर्च करके और इसको तैयार किया है। दोस्तों आज तक हम गाड़ियों का रिव्यू कर रहे थे, आज हमारे चैनल पे पहली बार मैंने बस का रिव्यू किया है,
तो आपको वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में बस कुछ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। I'm so happy.